अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चार बहुत ही इजी और आसान सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाला सिकंजी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक मिक्सी जार ली हूँ। उसमें मैंने लेमन डाली हूँ और थोड़ा सा ये मैं नमक ऐड करूँगी इसमें, और ये पीसी हुई शक्कर है, आप चाहे तो नॉर्मल भी डाल सकते हो। और ये ज़ीरा पाउडर है, और थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी, और काला नमक है, और पुदीने के कुछ पत्ते हैं, मैं इसे भी डालूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, और इसे मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी। थोड़ा सा खाली इसको घुमाना है ताकि सारे मसाले उसमें अच्छे से ऐड हो जाए। आप इसमें ठंडा पानी यूज़ करिए, ताकि इसे पीने के बाद आपको तरोताज़ा वो ठंडा ठंडा महसूस हो। इसे अब ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे सर्व करते हैं। लीजिए, मेरी मसाला सिकंजी बनके तैयार हो चुकी है। आप भी बनाइए और इसे ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ मसाला छाछ, जिसके लिए मैंने एक मिक्सी जार में, इसमें मैंने ज़ीरा डाली हूँ, थोड़ा काले मिर्च डालूँगी, और मैं ये थोड़ा नमक इसमें डालूँगी, और काला नमक है, और इसमें अब मैं थोड़ा चाट मसाला डालूँगी, और पुदीने के कुछ पत्ते ऐड करूँगी मैं। और मैं अब इसमें घर का जमाया हुआ ताज़ा ताज़ा दही इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो अगर दही नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, इसकी बजाय मार्केट में छाछ इजीली अवेलेबल है। आप वो छाछ लाके इन मसालों को ऐड करके इस तरीके से बना सकते हो। बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक बनके तैयार होती है, और गर्मियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छी है। इसे गर्मियों में और इफ्तारी के वक्त बना के पी सकते हैं। चलिए, अब ये मेरी मसाला छाछ बनके रेडी हो गई है। अब ये तीसरी ड्रिंक बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक मिक्सी जार में मैंने पिसी हुई शक्कर ऐड करी हूँ, और ये थोड़ा चाट मसाला है, और ये थोड़ा सा नमक है, और मैं थोड़ा लेमन जूस डालूँगी, और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। ये मैं बनाने जा रही हूँ चटपटा सा रूह अफ़ज़ा ड्रिंक, जो कि नॉर्मली इसे बहुत ही सिंपल सा बनाया जाता है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप हर बार इसी तरीके से बना के पीना पसंद करेंगे। और ये मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स कर ली थी मिक्सी जार में, ताकि मसाले सारे अच्छे से ऐड हो जाए, और ये मैंने रूह अफ़ज़ा साइड में डाल के, और ये मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। इसे भी आप बनाइए रमज़ान में, सर्व करिए, और गर्मियों में भी ज़रूर बना के पिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा सा रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बन के तैयार होता है। चलिए, अब मैं ये चौथा ड्रिंक बना रही हूँ। मैंने एक बाउल ली हूँ, उसमें मैंने पीसी हुई शक्कर ऐड करी हूँ, और मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा काला नमक है, और मैं इसमें थोड़ा सा अभी नमक ऐड करूँगी, और लेमन है। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा पानी डाल दूँगी इसमें मैं। ये मैं चटपटा सा नींबू शरबत बना रही हूँ, जो बाहर अक्सर आप पिया करते हैं, ये इसी तरीके का बनाया जाता है। और ये मैं अब इसमें पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें ठंडा पानी डाली हूँ, कोल्ड वाटर है, और अब इसे ग्लास में सर्व कर लेंगे। आप इसे रमज़ान में इफ्तारी के वक्त बना के पिए, बहुत ही चटपटा सा बनता है ये इस तरीके का नींबू शरबत। इसे और भी ज़्यादा मैं हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं सब्ज़ी के बीज को ऐड करूँगी। इसे मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दी थी, और अब इसमें ऐड कर लूँगी मैं। इससे ये बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा और आपको एनर्जी देगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फी अमानिल्लाह।